सो हे गाइस, आज के टाइम में जो एंड्रॉइड यूजर है या फिर डीएसएलआर यूजर है उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एसडी कार्ड। इनके अलावा बहुत सारे लोग पेन ड्राइव, यूएसबी ड्राइव और बहुत सारी हार्ड डिस्क का यूज करते हैं अपने डेटा को स्टोर करके रखने के लिए। मोस्टली जो डीएसएलआर यूजर है या फिर एसडी कार्ड यूजर है जो कि अपने फोन के अंदर डेटा को सेव करके रखते हैं उस मेमोरी के अंदर, उनमें से बहुत सारे लोग की जो डेटा होती है वो एक्सीडेंटली डिलीट हो जाती है या फिर वायरस के कारण वो डेटा करप्ट हो जाता है या फिर वो मेमोरी कार्ड, वो पेन ड्राइव जो है वो करप्ट हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि पावर ऑफ होने के कारण, यानी हमने अपने लैपटॉप के अंदर मेमोरी कार्ड पेन ड्राइव लगा रखा है और पावर ऑफ हुआ तो ऐसे में डेटा लॉस हो जाता है, जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो जाता है। सो ऐसे में मोस्टली यूजर घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि क्या करें, हम कैसे अपने डेटा को वापस लाएं, हम कैसे अपने करप्ट यूएसबी ड्राइव को, एसडी कार्ड को या फिर ड्राइव्स को वापस लेकर आए। तो ये बहुत ही ईजी है, बहुत ही आराम से आप लेकर आ सकते हो। और गाइज, मुझे पता है कि आप इस वीडियो को देख रहे हो यानी कि आप काफी ज्यादा सीरियस हो अपने एसडी कार्ड को लेकर, अपने डॉक्यूमेंट या फिर फोटो या फिर वीडियोस को लेकर। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और सबसे पहले तो हम रिपेयर करने से पहले, रिकवर करने से पहले बात करना चाहेंगे कुछ सिम्टम्स को लेकर जो कि आपको एसडी कार्ड करप्ट होने से पहले या फिर आपका जो डेटा है वो लॉस होने से पहले देखने को मिल जाता है। सो गाइज, सबसे पहला जो यहां पर आपको देखने को मिलता है ना सिम्टम, वो है कि आपको जो भी यूएसबी ड्राइव है, एसडी कार्ड है, जैसे ही आप अपने कंप्यूटर में लगाते हो, कार्ड रीडर में लगा के, सो वहां पर वो शो ही नहीं करता है, आपको अनलोकेटेड देखने को मिलता है। और जो दूसरा सिम्टम है वो मोस्टली डीएसएलआर यूजर के साथ देखने को मिलता है, जैसे कि जैसे ही वो अपने एसडी कार्ड से या फिर जो भी आपका मेमोरी कार्ड डीएसएलआर के अंदर लगा हुआ है, जैसे ही वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो ब्लैक स्क्रीन आती है और काफी सारे एरर आपको देखने को मिल जाते हैं। सो ऐसे में आप कंफर्म कह सकते हो कि जो एसडी कार्ड या फिर मेमोरी कार्ड डीएसएलआर के अंदर लगी हुई है वो वहां पर करप्ट हो चुकी है। इसके अलावा आपको कई बार नॉट रिकॉग्नाइज्ड का एरर देखने को मिलता है, तो कई बार वो रीडेबल नहीं हो पाता है, ओपन करते बट ओपन नहीं होता है। इसके अलावा कई बार ना वायरस अटैक के कारण काफी सारे फाइल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, लाइक मल्टीपल फाइल्स देखने को मिलते हैं, जैसे ही एक फाइल पर आप क्लिक करते हो 10 से 12 हो जाते हैं। तो ऐसे में ये वायरस अटैक के कारण भी एरर हो जाता है और आपकी जो मेमोरी कार्ड है, एसडी कार्ड है, फिर पूरा जो डेटा है वो करप्ट हो जाता है। तो इन सभी चीजों से आप बहुत ही इजीली बाहर निकल सकते हो और जो भी आपका डेटा है करप्ट हुआ है वो उसे आप वापस लेकर आ सकते हो। जो भी आपका मेमोरी कार्ड या फिर पेन ड्राइव करप्ट हुआ है उसे आप बहुत ही इजीली रिपेयर या फिर फिक्स कर सकते हो। लेकिन गाइस, कुछ चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप सेफली डेटा को रिकवर करना चाहते हो, अपना जो भी फोटो वीडियो है उसके अंदर था वो करप्ट हो चुका है, उसे रिकवर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जैसे ही करप्ट टाइप का डिवाइस ना, उसमें कोई भी फाइल कॉपी पेस्ट नहीं करना है या फिर आप बोल सकते हो उसके अंदर कोई भी ओवरराइट नहीं करना है। आपको सिंपली वो एसडी कार्ड को डीएसएलआर से निकाल लेना है, अपने फोन से निकाल लेना है और कार्ड रीडर के अंदर लगा के अपने सिंपली लैपटॉप के अंदर लगा लेना है। उसके बाद आपको सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन में जाना है और एक बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है जो कि iBoiSoft डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर, उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए, देन आपको मैं बताता हूँ कैसे सारी चीजें बहुत ही इजीली करनी है। चलिए आपको लैपटॉप स्क्रीन पर ले चलता हूं। तो गाइस, मैंने अपने लैपटॉप में जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड कर लिया है जो कि iBoiSoft डेटा रिकवरी, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर आपने नहीं किया तो जाके डाउनलोड कर लो। देन इंस्टॉल करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको लोगो देखने को मिलता है। तो अभी हम इसे करते हैं ओपन, और गाइस जैसे आप इसे ओपन करते हो यहां पर आपको यस करना है, और गाइस जैसे आप ओपन करते हो ना कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है, और बहुत ही छोटा सा सॉफ्टवेयर है, बहुत ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है, बहुत ज्यादा साइज का नहीं है, आप बहुत ही इजिली डाउनलोड कर लो। देन डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है जहां से आप बहुत ही इजिली अपने डिलीट डेटा को, अपने करप्टेड डेटा को रिकवर कर सकते हो। सो गाइस, अभी मैं अपने एग्जांपल के लिए एक पेन ड्राइव लगाता हूं और पेन ड्राइव में मैं कुछ डेटा को डिलीट करके और फिर रिकवर करके आपको दिखाता हूं। सो गाइस, यहां पर आप देख सकते हो मैंने एक 16GB की पेन ड्राइव लगा ली है। ऐसे आपका एसडी कार्ड भी हो सकता है, मेमोरी कार्ड भी हो सकता है। सिंपली अभी मैंने इसके अंदर आपको दिखा दूं कुछ फोटोज, एक MP3 और यहां पर मैं एक वीडियो भी सिलेक्ट कर लिया है। अब इन सभी को मैंने इसमें रखा है, अभी मैं कर देता हूं इन सभी को डिलीट। तो डिलीट करते ही क्या होता है, हमारा डेटा जो लॉस हो जाता है या फिर करप्ट हो जाता है, तो कुछ इसी तरीके से आपको देखने को मिलता है। और डिलीट करने के बाद आप देख सकते हो दिस फोल्डर इज एम्प्टी, मतलब ये जो हमारा फाइल था, जो हमारा डॉक्यूमेंट था, MP3 था, वो सब कुछ गायब हो चुका है। तो अभी सिंपली रिकवर कर लेते हैं, अभी सभी डेटा को हम रिकवर करने वाले हैं। तो उसके लिए हमें सिंपली iBoiSoft डेटा रिकवरी को यहां पर ओपन कर लेना होगा। सिंपली ओपन करते ही आपको कुछ बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस देखने को मिलता है जहां पर सबसे पहले तो जो भी आपका एसडी कार्ड या फिर पेन ड्राइव जहां से आपका डेटा डिलीट हुआ है उसे सर्च कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो मैं नीचे आया हूं और वो जो मेरी पेन ड्राइव थी उसकी साइज यहां पर आप देख सकते हो वो मुझे मिल चुकी है। तो सिंपली अभी उसको रिकवर करने के लिए सिंपली डबल क्लिक करना होगा और आप देख सकते हो नीचे डीप स्कैन ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इस पर अगर सेलेक्ट है तो बहुत ही डीप स्कैन करेगा और बहुत ही आराम से इजीली आपकी जो भी डिलीटेड फाइल है वो यहां पर वो निकाल देने वाला है। तो सिंपली डीप स्कैन पर मैं टिक रहने दूंगा और यहां नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूं। सो गाइस, यहां पर आपका फुल डेटा रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम ले सकता है, वो डिपेंड करता है आपका जो भी ड्राइव है या फिर जो भी आपका एसडी कार्ड है उसके साइज पर। सो गाइस, थोड़ी देर वेट करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। सो यहां पर आपको लगेगा डेटा रिकवरी नहीं हुआ है, बट साइड में आपको वॉल्यूम F1 NTFS पे क्लिक करना है, कुछ इस तरीके से आप फाइल्स को चेक कर लेना है। यहां पर आप देख सकते हो मैंने जो सॉन्ग था, मैंने जो यहां पर वीडियो और जो फोटोज यहां पर मैंने डिलीट किया था वो सब कुछ रिकवर हो चुका है। अब इन सभी को अपने कंप्यूटर में रिकवर करने के लिए सिंपली सब पर टिक करना होगा और यहां पर आपको रिकवर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना होगा। देन आपको यहां पर वो पाथ चूज कर लेना होगा जहां पर भी आप इन्हें रिकवर कर
करके रखना चाहते हो तो मैं डेस्कटॉप पर भी आपको रख के दिखाता हूँ, ओके करता हूँ, डेस्कटॉप सेलेक्ट करता हूँ और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये सारे ही मेरे जो भी डेटा था, जो फोटो या फिर वीडियोस थी, आप देख सकते हो, मैं ओपन करके दिखा दूँ, कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है, जो सॉन्ग था वो भी और जो वीडियो था वो एकदम कम्प्लीटली रिकवर हो चुका है। सो इसी तरीके से आप भी अपने डेटा को फ्री में बहुत ही ईजिली रिकवर कर पाओगे, चाहे वो डिलीट हो चुका हो, चाहे वो करप्ट हो चुका है या फिर वायरस अटैक के कारण यहाँ पर प्रॉब्लम आ चुकी है। सो बहुत ही ईजिली आप रिकवर कर सकते हो। बाकी इसके अलावा गाइस, अगर आपका एसडी कार्ड, पेन ड्राइव या फिर जो भी ड्राइव है वो यहाँ पर करप्ट हो चुकी है, उसको अगर आपको फिक्स करना है, सही करना है, तो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ, बहुत ही ईजिली आप कर पाओगे। सो गाइस, अपने करप्ट एसडी कार्ड को फिक्स करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि अगर आपको वो एसडी कार्ड पेन ड्राइव शो कर रहा है उस पर राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज पर जाओ, फिर आपको यहाँ पर टूल पे आ जाना है, देन आपको विंडो एरर चेकर ऑप्शन देखने को मिलता है, जो पहला वाला ऑप्शन है, सिंपली आप इस पर क्लिक कर दो और यहाँ पर आपको स्कैन रिपेयर ड्राइव पे क्लिक करना है और आपको इस ड्राइव के ऊपर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, रिपेयर नाउ, रिपेयर एंड नेक्स्ट रिस्टार्ट, तो आपको सिंपली रिपेयर नाउ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो, अगर आपका ड्राइव रिपेयर होने लायक रहेगा, अगर फिक्स हो सकता है तो इजीली फिक्स हो जाएगा, लेकिन अगर आपका इससे भी फिक्स नहीं होता है तो आपको करना क्या है कि अगर आपको वो ड्राइव शो कर रहा है उस पर राइट क्लिक करना है, उसे रीनेम करना है और उसका जो भी नाम है उसे चेंज कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर नाम चेंज कर देता हूँ तो कई बार इससे भी फिक्स हो जाता है, और अगर इन सभी से फिक्स नहीं होता है तो आपको एक बार फॉर्मेट करके चेक कर लेना है, आपको सिंपली फॉर्मेट कर देना है एक बार अपने जो भी एसडी कार्ड या फिर जो भी आपका यूएसबी ड्राइव है उसे फॉर्मेट कर लेना है। देन अगर फॉर्मेट करने के बाद ठीक नहीं हो रहा है तो आप समझ लो कि वो यहाँ पर फिजिकली डैमेज हो चुका है, सिंपली आप उसे रिकवर नहीं कर पाओगे या फिर बोल सकते हो फिक्स नहीं कर सकते हो। लेकिन गाइस, अगर आपका पेन ड्राइव या फिर एसडी कार्ड नॉर्मल करप्टेड है तो बहुत ही इजीली रिकवर हो जाएगा और इस सॉफ्टवेयर के हेल्प से जो भी आपका डेटा है, जो भी आपका इमेज, फोटो या फिर डॉक्यूमेंट है, बहुत ही इजीली आप रिकवर कर पाओगे। तो आई होप आपको इस सॉफ्टवेयर से काफी ज्यादा हेल्प मिली हो, और अच्छी बात, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल ही फ्री है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, जाकर डाउनलोड करो, चेक करो, और अगर आपका भी कोई डेटा यहाँ पर डिलीट हो चुका है तो बहुत ही इजीली, जैसे मैंने रिकवर किया, उसे आप रिकवर कर सकते हो। तो बस यार, आई होप आपको सारी चीजें क्लियरली समझ में आ चुकी हो और आपने अपने एसडी कार्ड को, अपने पेन ड्राइव को इजीली रिकवर कर लिया हो, अपने डेटा को रिकवर कर लिया हो। बाकी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो नीचे कमेंट के अंदर बता देना, मैं हर एक कमेंट के रिप्लाई जरूर देता हूं। लेकिन अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। तो मिलते हैं एक नए और कमाल के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।